हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बटर हनी गार्लिक चिकन। बहुत टेस्टी बनता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके लिए हमें चाहिए चिकन ब्रेस्ट एक अदद और इस पे हमने डीप कट्स लगा लेने हैं इस तरीके से, और फिर उसके बाद हम लंबाई में भी डीप कट्स लगा लेंगे। ये इस तरीके से काटने से चिकन ब्रेस्ट जब पक जाता है तो बहुत प्यारा लगता है। 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल लेंगे और दोनों साइड पर हमने अप्लाई कर देने हैं। रब कर देंगे हम चिकन ब्रेस्ट पर। फिर हमने कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करनी है। नमक का स्पे जायका, पार्सली 1 टीस्पून, ओरिगैनो 1/2 टीस्पून, थाइम 1/4 टीस्पून, मिक्स्ड हर्ब्स 1/2 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून, कायन पेपर 1/2 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून। इन तमाम को हमने मिक्स कर देना है और चिकन ब्रेस्ट पर हमने अच्छे तरीके से अप्लाई कर देना है। हमने बहुत अच्छे तरीके से रब कर देना है। डीप कट्स में भी हम इसको डालेंगे ताकि फ्लेवर बहुत अच्छा सा आए। आप स्पाइसेस को कम या ज़्यादा अपने मुताबिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मसाला इसको अच्छे तरीके से लग गया है, तो अब मैं इसको 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही रख दूँगी। फिर हम लेंगे मैदा 1/2 कप और यहाँ पे जो मसाला हमने लगाया हुआ था, मैरिनेट किया हुआ चिकन, हम इसमें डाल देंगे। और हमने अच्छे तरीके से मैदे की कोटिंग कर देनी है। मैदे की कोटिंग से बहुत अच्छा, जब वो पकता है बहुत अच्छा हनी के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और हमने इसके कट्स के अंदर भी डाल देना है। और फिर हम एक पैन लेंगे और उसमें हमने तकरीबन 3 टीस्पून बटर के ऐड कर देने हैं। उसको हम थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें चिकन ब्रेस्ट रख देंगे। फिर हमने इसको कुछ देर पकने देना है। पहले एक साइड से आप 3 से 4 मिनट बहुत ही हल्की आँच पर पकने दें। फिर जब 3 से 4 मिनट बाद थोड़ा सा कलर आ जाएगा, चेंज हो जाएगा उसका कलर, फिर हम इसको फ्लिप कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा इस पे कलर आया है। फ्लिप करने के बाद हम इसमें 2-3 टीस्पून बटर के ऐड कर देंगे और उसको भी मेल्ट कर लेंगे। और फिर हमने इस बटर में इस साइड से भी इसको पकाना है। हल्की ही आंच रखनी है अभी भी हमने। और फिर हमने लेने हैं 2 गार्लिक क्लोव्स। अगर गार्लिक का टेस्ट और भी अच्छा लगता है आप 3 क्लोव्स भी डाल सकते हैं। उसको चॉप कर लेना है और उसको भी हमने इसी बटर में ही डाल देना है। बटर अभी बिल्कुल ही ड्राई नहीं हो गया है, इसलिए इस बटर में ही हमने इसी टाइम पर ही लहसुन को डालना है ताकि जो अच्छा सा फ्लेवर है वो चिकन में अब्सॉर्ब हो जाए। लहसुन के डालने से इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी कि दिल कर रहा था इसी टाइम ही खा लें। तो उसके बाद हमने लेना है 2 टेबलस्पून हनी। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून हनी ले लिया है और इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। अगर ज़्यादा आपको स्पाइसी पसंद है तो आप 2 टीस्पून ऐड कर लें। और अब हम इसको डाल देंगे पैन में और इससे और भी फ्लेवर मज़ेदार बन जाता है। ठीक है, अब हमने इसमें चिकन ब्रेस्ट को पकाना है। हम इस तरीके से इसको हल्की आंच पर मज़ीद पकाएंगे। 20 से 25 मिनट हमने इसको हल्की आंच पर पकाना है। अगर तो चिकन ब्रेस्ट छोटा है या बड़ा है, आपने उसके हिसाब से उसको टाइमिंग देनी है। ये बहुत मैटर करता है क्योंकि कईयों का पीस छोटा होता है और कईयों का काफ़ी बड़ा होता है और कईयों का जस्ट मीडियम साइज़ होता है। तो अपने चिकन को चेक कर लें कि ये पक गया है कि नहीं। 25 मिनट मैंने इसको पकाया है और हमारा बहुत ही मज़ेदार बटर हनी गार्लिक चिकन रेडी हो चुका है। ट्राई कीजिए, आप खुद मुझे बताएंगे कि ये कितना मज़ेदार बना है। जो बाकी का भी थोड़ा सा ग्लेज और बचा था मसाला सा, वो मैंने चिकन ब्रेस्ट के ऊपर ही लगा दिया क्योंकि वो दिखने में और भी प्यारा लगता है और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगता है। आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। अपना फीडबैक फिर मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।